हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जहां पे हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 11वां डिस्कस। यस, 10 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपके CHSL और JEE एग्जामिनेशन को टारगेट करके बनाए गए थे, शुरू किया गया था। और CHSL एग्जाम की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो भी गया। और CHSL एग्जाम के बाद अब जब फोकस करना पड़ेगा वो होगा SSC के JEE एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अक्टूबर एंड में यही एग्जाम होने वाले हैं। JEE की खास बात यह है कि इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस के। तो ये जो सुबह का 5:30 बजे का सेशन हम डिजाइन करते हैं, इस 5:30 बजे के सेशन में आपको जुड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलना है। क्योंकि ये बात मान के चलो कि हर सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कल हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारे के सारे डिजाइंड होंगे एज पर द JEE कॉन्सेप्ट, एज पर द JEE फॉर्मेट। तो बस आपके एग्जामिनेशंस को हेल्प मिले तो दिन में किसी भी समय पर इस सेशन को जरूर देखें, पर देखें जरूर। सेशन की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इन सारे सेशंस का बेनिफिट उठा सके। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते क्या और किस तरीके के क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने। बट ऑफ कोर्स यस, क्लासेस की टाइमिंग्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए, दैट मीन्स अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं भी किया तो भी आप हमारी ये दोनों क्लासेस दिन में अटेंड कर सकते हो। सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल टारगेट कर रहे हैं IBPS क्लर्क प्रीलिम्स को। इसके अलावा रात में 9:00 से 10:00 तक SSC की क्लास, जिसमें ओवरऑल सिलेबस कवर अप हो रहा है टॉपिक वाइज। प्लस की क्लासेस ऑलरेडी 20 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर चल रही है IBPS PO मेंस के लिए, 12:00 से 1:00 तक का उसका टाइमिंग है। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे, दैट इज SAMASHTISHUKLA, एंड जिस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं टू गेट द सब्सक्रिप्शन, दैट इज SMS10। तो क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 5:30 AM की है, लेकिन जैसा हमने कहा आप दिन में किसी भी टाइम पे इस सेशन को देखो जरूर, भले ही म्यूट करके देखो या अपने स्टॉपवॉच अलार्म टाइम वॉच स्टार्ट करके देखो, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके एक्यूरेसी और टाइमिंग, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर, लेट सी द क्वेश्चंस बेसिकली। लेकिन उससे पहले सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा प्रोसेस है यार। देखो, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा, जैसे ही उस पे क्लिक करोगे ड्यूरेशन सामने आ जाएंगे। अब ड्यूरेशन चाहे 6 महीना, चाहे 12 महीना, चाहे 24 महीना, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसी पेज पे आपको कोड अप्लाई करना है, दैट इज SMS10। जैसे ही कोड अप्लाई करोगे प्रोसीड टू पे का बटन आ जाएगा। प्रोसीड टू पे के बटन को क्लिक करते ही आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग जैसा पोर्टल आ जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप किसी भी कंडीशन से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनीवे, राइट। तो अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करके प्लस की क्लासेस को अवेल कर सकते हो। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एनालॉगी फाइंड करनी है, एनालॉगी समरूपता या फिर वर्ड्स के बीच का जो रिलेशन है वो। ओशन पॉन्ड, समुद्र तालाब, तो समुद्र तो बिगेस्ट बॉडी होगी वाटर की, और पॉन्ड या तालाब हो गया छोटा, तो किलोमीटर का छोटा क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स मिलीमीटर। दिमाग में मीटर जरूर आता है पर मीटर नहीं, मिलीमीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर, डन। मीटर की स्मॉलेस्ट यूनिट सेंटीमीटर होती है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एनालॉगी है, समरूपता है। फेस का एक्सप्रेशन, तो हैंड का क्वेश्चन मार्क। अब चेहरा अभिव्यक्ति, मतलब चेहरा हमारा एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति दिखाता है, तो हाथ या हैंड क्या दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है संकेत या सिग्नल। जैसे हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, वी एक्सप्रेस समथिंग, हम हाथ से क्या करते हैं, सिग्नल ही तो देते हैं ना। जैसे मान लो हमने वहाँ पॉइंट किया, पॉइंट किया मतलब सिग्नल दिया, संकेत किया, राइट। तो यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, अगेन एनालॉजी, ट्रायोलॉजी नॉवल। तो अब ट्रायोलॉजी नॉवल का मतलब क्या हुआ, ट्रायोलॉजी नॉवल का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक नॉवल है उसके पार्ट्स या उसका हर एक चैप्टर इज कॉल्ड ट्रायोलॉजी। तो वही सीक्वेंस आपका होता है सीरियल और एपिसोड, दैट मींस कई सारे नॉवल के पार्ट्स मिलके एक पूरी की पूरी बुक नॉवल बन जाती है ना। कई सारे सेक्शंस बनाए जाते हैं फिर उनको कंबाइन करके,
एक कंसाइज फॉर्म में नॉवल बन जाता है, तो वही तो सीरियल के साथ होता है, एपिसोड दर एपिसोड दर एपिसोड पूरा एक सीरियल कलेक्ट हो जाता है। अगला देखो, अगेन एनालॉगी समरूपता, 42, 56, 110 question mark। यार 42 का मतलब क्या हुआ? 7 6 सा, 56 का मतलब क्या हुआ? 7 8 सा। अब सिंपल सी बात है, 7 में आपने एक बार 6 को एक बार 8 को मल्टीप्लाई किया, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस है 2। तो अगर हम यहाँ देखें 11 into 10, तो अगला हमारा 11 into 12 होगा। रीजन 11 तो सेम है पर 10 और 12 के बीच का डिफरेंस हो गया 2। सो 11 into 12 दैट इज 132। डन। अगला देखो, 9 का 8 तो 16 का क्या? अब यार 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 8 क्या है? 2 का क्यूब। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा फिर? 3 का क्यूब। समझ रहे हो, 3 और 2 माइनस 1, तो 4 और 3 माइनस 1, सो 3 का क्यूब इज 27। डन। अगला देखो, अगेन लेटर बेस एनालॉगी, CATDDY तो BIG क्वेश्चन मार्क, CATDDY। अब देखो 3 1 20 4 4 25, +1 +3 +5, यस +1 +3 +5 ऑड नंबर्स हैं। तो BIG देखो 2 9 7, +1 किया तो C हो गया, +3 किया तो 9 10 11 12, मतलब कितना हो गया हमारा L, और यहाँ +5 करेंगे तो 7 5, अगेन क्या हो जाएगा हमारा 12, यस तो 12 मतलब L, तो CLL इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अब है ऑड वन आउट, सितार वायलिन तानपुरा या वीणा। सो ऑफकोर्स वायलिन, क्योंकि सितार तानपुरा वीणा ये सारे बैठ के बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड वायलिन इज प्लेड बाय अ स्टिक। वायर सब में होते हैं लेकिन ये हम हैंड से भी बजा सकते हैं, पर वायलिन इज प्लेड बाय अ स्टिक। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दैट मीन्स अगेन क्लासिफिकेशन या ऑड। 1 5 4 25 65 7 35, 1 5 5 4 5 20 7 5 35, तो यहाँ पे भी हमारा 5 5 25 होना चाहिए था पर यहाँ तो दिया 65 है, सो यस ऑड वन आउट इज 565। समझ गए पहले नंबर का और दूसरे नंबर का रिलेशन। डन। अगला देखो, अगेन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, मतलब ऑड वन आउट, 36 64 54 108। अब दिमाग कहेगा स्क्वायर, लेकिन बेटा ध्यान रखना 36 भी एक स्क्वायर है और 64 भी एक स्क्वायर है, फिर बोलोगे 64 एक स्क्वायर भी है क्यूब भी है, नहीं। आप ये देखो 3 plus 6 9 5 plus 4 9 1 plus 0 plus 8 9, तो 6 plus 4 10, यही ना ऑड हो गया, ठीक है। तो आपका एक लॉजिक वो कि ये तो 4 का क्यूब है 8 का स्क्वायर है, ये भी ठीक है, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है ना। डन। अगला देखो, अगेन ऑड वन आउट, DBZ QOM USQ JL, तो देखो DBZ 4 2 26 -2 -2 QOM 17 15 13 -2 -2 USQ 21 19 17 -2 -2 JLN 2 L से N +2, क्योंकि ये देखो 10 12 14, तो बस ऑड वन आउट यही हो गया क्योंकि बाकी सब में -2 हो रहा है, सिर्फ यही +2 हो रहा है। अगला देखो, AWY YUW 123 25, ठीक है, तब कितना हुआ ये देखो 23 25, हम लास्ट से देख ले क्या +2 YUW तो 25 21 23 +2 EIM 5 9 13
अब 9 से 13 + 4 होता है TPR 20, 16, 18 + 2। तो सब जगह प्लस टू हो रहा है सिवाय EIM के। सो यस ऑप्शन नंबर सी इज द ऑड वन आउट। अगला देखो, किलोग्राम क्विंटल टन गैलन, वेरी सिंपल। किलोग्राम क्विंटल टन ये सारे के सारे वेट्स को मेजर करने के लिए होता है, एंड गैलन इज फॉर वॉल्यूम, है ना। पानी की टंकी गैलन में काउंट होती है, तेल की टंकी गैलन में काउंट होती है, तो जहां वॉल्यूम की बात होगी वहां गैलन, ठीक है। अगला देखो, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर अमंग्स द फोर सेट्स ऑफ नंबर गिवन इन ऑल्टरनेटिव्स व्हिच इज सिमिलर टू द सेट गिवन इन द क्वेश्चन। उत्तर विकल्पों में चार संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है कि चेक करके ये बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सिमिलर होगा। सो लेट्स सी, 23 से 29 और 29 से 66। तो 23, 2 + 3, 5 हो गया, और इसके अलावा देखें तो 2 3 6 हो गया, बन तो जाएगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तब बताओ 13 हो गया, नहीं तब भी नहीं हो रहा है, तब फिर 2 + 3, 5 करें, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में फिर 4 जोड़ दो, हो सकता है। लेकिन फिर यही पैटर्न तो हमें सब जगह देखना पड़ेगा ना, तो सोचो सोचो क्या हो सकता है। यस, सिंपल सा फंडा है, बेसिक सा फंडा है, बस ये ध्यान रखना है कि कैसे और कहां से क्या सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, सिंपल सी चीज़। 66 11 6 होता है, तो ये तो कहीं ना कहीं हम डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो 2 × 3 = 6 होता है, और 2 + 3 = 5 होता है, और 6 + 5 = 11 होता है। यस, तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो डेफिनेटली हम ये निकाल सकते हैं पैटर्न। इलेवन तो आ गया हमारे पास, और 11 × 6 कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया, लेकिन 23 से 29 कैसे बना। तो 23 से 29 बनाने का कोई बहुत ज़्यादा वो थोड़ी है, आप सिंपली एक काम ये करो ना, देखो 2 3 = 6, 2 + 9 = 11, तीसरा नंबर आ गया 66। क्योंकि 23 से 29 बनाना फिर उसको आगे लेके जाना नॉट सो रिक्वायर्ड। यही पैटर्न अगर हम आगे पता लगाएं, यही पैटर्न अगर हम आगे चेक करें तब कैसे हो, देखो सिंपल सा फंडा है, 1 × 7 = 7 हो जाएगा, 2 + 4 = 6, तो 7 × 6 = 21 तो नहीं होता, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 4 + 7 = 11 हो जाएगा, तो 3 × 11 = 30 भी नहीं होता, 1 × 3 = 3 और 1 + 6 = 4, तो ये आपका 25 भी नहीं होता, लेकिन 4 × 1 = 4, 4 + 8 = 12, अब 12 × 4 = 48 जरूर हो जाता है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी डन। अगला देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ मिसिंग नंबर फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टली चलेंगे, 7 × 2 = 14, 4 × 3 = 12, 6 × 4 = 24, तो अब हमें यही तो फाइंड करना है, तो कर लिया ना, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर 4 का स्क्वायर आएगा, वेरी सिंपल, दैट मीन 16, बात समझ आई। हाँ, अगला देखो, अब हमें यहाँ पे लेटर सीरीज फिल करनी है, अब बीच में ब्लैंक्स फिल करने हैं, सिक्वेंशली इन लेटर्स को फिल करना है, और फिल करने के लिए जो लेटर्स यूज होंगे वो है ABCD। अब यहाँ देखो ABCD, फिर
डबल ए बी सी डी, फिर डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी डबल सी डी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी। मतलब पहले सारे लेटर्स एक बार, फिर ए दो बार, फिर बी दो बार, फिर सी दो बार, फिर डी दो बार, फिर सारे के सारे दो ही बार हो गए। दैट मीन्स बी बी डी बी सी सी डी, तो बी बी डी बी सी सी डी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखो, अ सीरीज इज गिवन विथ वन और टू टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सीरीज कंप्लीट करनी है। +15 +15 +15 +15, सब में 15 का ही तो डिफरेंस है। सो 335 + 15 जब हम करेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 350। डन। अगला देखो, 1 3 4 7 11 18 29 क्वेश्चन मार्क। ये तो मिक्स एंड मैच हो गया, तो कोई बात नहीं। 1 + 3 4 3 + 4 7 4 + 7 11, मतलब आप चेन बाय चेन चल रहे हो, कैसे नंबर टू नंबर। 7 + 11 18 11 + 18 29, तो अब क्या करेंगे हम, 18 + 29 18 + 29, तो 9 और 8 कितना हुआ 17, एक ऊपर 47। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। अगला देखो, अब सीरीज इज गिवन, तो अब यहाँ पे लेटर्स हैं। अच्छा लेटर्स हैं तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ले ले, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। 26 2 24, तो एक काम करते हैं इसको ज़रा अच्छे से लिख ही लेते हैं। 26 2 यहीं लिखे हैं नीचे, 26 2 24 6 22 10 20। अब देखो ये हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक काम करें 26 2 24 6 22 10 20 14 18 18 ? तो ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है डेफिनेटली। 26 से 24 24 से 22 20 18 -2 चल रहा है यहाँ पे सब में, तो 18 - 2 कितना हो जाएगा 16। इसके बाद देखो 2 से 6 + 4 6 से 10 + 4 10 से 14 + 4 14 से 18 + 4 so 18 से + 4 22। तो 16 मतलब P और 22 मतलब V, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, क्योंकि होल सोल हमें करना तो फिर लेटर्स को ही वहां पे मार्क है ना, तो बस P और V। अगला देखो, YWSMEU? तो अगेन क्या करें, प्लेस वैल्यूज के हिसाब से देखें। देखो 25 23 19 13 5 21 ? फिर से इसमें ऑल्टरनेट ले क्या, अब देखो 25 से 19 कितना हो गया ये हमारा, 25 से 19 माइनस किया तो दैट मीन्स 20 21 22 23 24 25 - 6। यहाँ गए तब कितना हो गया ये -14। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम आगे चल रहे हैं सो दैट मीन्स 21, फिर हमें आगे प्लस माइनस करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। और यहाँ देखो तो यहाँ हुआ है -10, फिर यहाँ हुआ है प्लस ऑफकोर्स 13 से 21 हो गया। तो अब देखो ये तो किसी काम का नहीं हुआ। अब लेटर की प्लेसिंग अगर यहाँ पे काम की नहीं आ रही है देन उसके बाद हम क्या करें बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ऑफकोर्स। बेसिक सा फंडा प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ही निकल सकता है। 25 23 देन 19 13,
समझ गए ना, माइनस प्लस तो चल रहा है डेफिनेटली, ये पूरा का पूरा टाइम आपको दिया था टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब देखो 25, 23, 90 माइनस टू माइनस फोर, 19 से 13 कितना हो गया -6, 13 से 5 -8, मतलब हम जा रहे हैं -2, -4, -6, -8 फिर 21 है. तो अब ऑब्वियस सी बात है -10 करोगे ही करोगे ना, पांच लेटर यहाँ से छोड़ोगे, पांच लेटर यहाँ से छोड़ोगे, क्योंकि ए से लेके जेड तक होते तो हमारे 26 लेटर्स ही हैं. तो अब 10 के बाद कितना माइनस होगा, 12 माइनस होगा. तो 21 - 12 कितना हो जाएगा, 21 - 12 विल गिव अस कितना, 9, 19 नहीं 9 आएगा ये सिर्फ, है ना, 21 के बाद माइनस 12 करेंगे ऑफ कोर्स, तब कितना आ जाएगा ये हमारा 9 आ जाएगा. दैट मींस क्या लेंगे हम यहाँ पे, 9 आएगा 7 आएगा, लेट्स सी, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा -4, 19, 20, 21, 22, 23 ये हो गया हमारा -6, 19 से 13. अब 13 से लेके ई तक ऑब्वियसली बात है 13 - 5, तो ये हमारा 8 हो गया, -8. अब 5 से 21 तक जाना है, तो ज़रा देखो डी सी बी ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी कितने लेटर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ हो गया -10. अब यू से हमें कहाँ तक जाना है, 12 तक माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स वी के बाद यू टी एस आर क्यू, है ना, यू टी एस आर क्यू पी, फिर ओ एन एम एल के, ठीक है. तो यहां से अब हम माइनस बारह कर रहे हैं. ऑप्शंस में चेंजेस हम कर देंगे. देखो कितना हुआ ये 21 में से -12, इसके बाद -14 ऑफकोर्स, तो 9 में से फिर 14 लेटर्स हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है. तो जब हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा तो ऑफकोर्स 9 से 14 लेटर्स और पीछे चले जाओगे. अब 9 से 14 लेटर्स मतलब आई से 14 लेटर्स पीछे जाना है ना, तो यहाँ होते तो हमारे 8 ही लेटर्स हैं, तो उस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे. ऑप्शन में आंसर नहीं हो कोई बात नहीं छोड़ दो, पर सीरीज जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पे हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 20th क्वेश्चन. अब क्या है ये, 1 CV देन आपका 5 FU, ठीक है, 9 IT, 15 LS. तो अब ऑड वन आउट पता करना है, या तो ये बोलो कि रॉन्ग सीरीज क्यों कौन सी है यहाँ पे. तो लेट्स सी, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 17 है. तो देखो 1 से 5 +1, +2, +4 हो रहा है, ठीक है. C और V अगर आप देखें यहाँ पे तो 1, 3, 22, 5, 6, 21, ठीक है. ये हो गया हमारा 9 I 20, 15, 12, 19, फिर इसके बाद 17, 15. तो यार हमको ना एक चीज़ समझ में आ रही हो सीधी सी क्या है, वो ये है 1 से 3 + 2, 5 से 6 + 1, फिर इसके बाद 15 से 12 + 3,
और 9 से आई, ये तो यहाँ प्लस 0 ही हो रहा है, सो दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 3, क्योंकि पैटर्न हमारा देखो प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 चल रहा है, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे देखो फिर 17 15 है माइनस 2, तो अब माइनस में जा रहे थे हम लोग, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा 15 12 ये प्लस होना ये ऑड हो गया, ठीक है। दूसरा C की प्लेस वैल्यू 3 है, V की प्लेस वैल्यू 22 है, माइनस करो तो पता चल जाए, F की प्लेस वैल्यू 6, U की प्लेस वैल्यू 21, करेक्ट, तो 15 LS इज द ऑड वन आउट या रॉन्ग। अगला देखो, सीरीज इज गिवन विथ वन और टू टर्म्स मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। अब क्या है 3, 6, 12, 15, 30, 33 क्वेश्चन मार्क। अब देखो प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो अगला विल बी इंटू 2, दैट मीन्स 66, डन। नेक्स्ट देखो, माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस, इंटू का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, साइंस को हमें चेंज करना ही पड़ेगा, 7 प्लस 8, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड और प्लस का मतलब माइनस, तो 7 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 4, 7 प्लस 80 माइनस 4, यही हुआ ना, माइनस का मतलब प्लस था, देन प्लस का मतलब क्या था हमारे माइनस था, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड था और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया 87 माइनस 4, सो दैट मीन्स 83, सही किया है हमने। लेट्स सी, सेवन प्लस एट, रुको, 7 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 माइनस 4, सॉरी प्लस का मतलब तो माइनस था, तब क्या हुआ ये 7 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 2 माइनस 4, करेक्ट, तो 7 प्लस 8 5 40 अपॉन 2 माइनस 4, तो 7 प्लस 20 माइनस 4, तो 27 माइनस 4 23, अब सही, डन। अगला देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रवि स्टार्ट्स फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग वेस्ट, अपने ऑफिस से पश्चिम की ओर मुख करके 100 मीटर चलता है, ठीक है, देन टर्न्स राइट टर्न, तो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, यहाँ से चलेगा 100 मीटर्स, राइट टर्न लिया और फिर कितना चला 100 मीटर्स, ही टेक्स टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 50, बाएं मुड़ा 50 चला, फाइनली अगेन टुक राइट 50, इन विच डायरेक्शन इज रवि, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है डिस्टेंस नहीं, वेस्ट में जा रहा था तो ऑब्वियसली ऊपर नॉर्थ है, तो अब वो बीच में कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, ऑप्शन नंबर डी, डन। अगला देखो, सुमित वॉक्स 8 किलोमीटर्स ईस्ट, सुमित 8 किलोमीटर पूर्व में चलता है, देन टर्न साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब इस तरीके से, एंड वॉक्स फॉर अनदर 8 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर की तरफ, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज ही स्टैंडिंग नाउ, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली वेस्ट में, क्योंकि वो यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट में जा रहा था, डन। अगला देखो, 15 सितंबर 2000 वाज फ्राइडे, सो व्हाट वाज द डे ऑन 15 सितंबर 2001, 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे था, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, सिंपली वील डू व्हाट, प्लस वन, क्योंकि कोई लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फ्राइडे प्लस वन सैटरडे। नेक्स्ट देखो,
मिसिंग या एलिमेंट फाइंड करना है। तो f की प्लेस वैल्यू 6, a की प्लेस वैल्यू 1, माइनस कर दिया तो a की प्लेस वैल्यू आ गई 5, w की 23, j की 10, माइनस कर दिया तो m की प्लेस वैल्यू आ गई 13, o की 15, k की 11, माइनस किया तो कितनी आ गई हमारी 14, 14 मतलब होता है n, ना ना सॉरी सॉरी 4, देखो कैलकुलेशन एरर, 15 माइनस 11 होता है 4, 4 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। अब मिसिंग नंबर कैसे करेंगे, 4 to 1 सबको ऐड करोगे तो 21 तो नहीं आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 21। तो वही चीज़ यहाँ देखो, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 64, यही किया। तो क्या ये करना सही है, दिमाग लगाओ, 25 और 9, 25 और 9 तो हमारा हो गया कितना 34। अब 34 को क्या हम 64 पे ऐड करेंगे तो 98 आएगा, बोलो बोलो, नहीं ना, ज़्यादा ही हो जाएगा। तब फिर दिमाग लगाओ, 4 5 6 4 2 1, एक जगह तो ये चीज़ अप्लाई हो रही है, तब अगली जगह क्या किया जाए, सोचे सोचे, हाँ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8 करके देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 64 और 25 ये तो हो गया सीधा सीधा सा कितना हमारा 64 और 9, अगर हम देखें तो ये कितना हो जाता है हमारा 73 प्लस 25, तो ये 5 और 3, हाँ 98 तो हो रहा है, डेफिनेटली हो गया 98। वी वर थिंकिंग वो 98 से ऊपर जाएगा, पर नहीं 98 हो रहा है। तो अब अगला देखो, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तब इन सबको ऐड कर दो तो 9 और 9 18, 18 और 6 24, 2 कैरी 5, 4 9 94, ऑप्शन नंबर डी, डन। अगला देखो, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 5 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18, तो 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18, 18 और 4 22। नेक्स्ट देखो, रोबस्ट का कोड दिया है, बोन का कोड दिया है, सोर का फाइंड करना है, 593127 BONE 3964। तो अब अगर हमें सोर का, तो इसी से पिक करेंगे, S का कोड 2, O का कोड 9, R का कोड 5, E का कोड 4, सो 2954। लास्ट क्वेश्चन, R A I L W A Y S J G Y P U A D Y। अब देखो 18, 1, 9, 12, 23, 1, 25, 19, 10, 7, 25, 16, 21, 1, 4, 25, पैटर्न समझ में आया? ऑफकोर्स चार चार के पार्ट में डिवाइड कर दो, क्रॉस कर दो, यहाँ माइनस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है। तो वही चीज़ जब हम कंप्यूटर में करेंगे तो COMP
पी से दो माइनस कर दो एन आएगा, सी से दो माइनस कर दो ए आएगा, एम से दो माइनस कर दो के आ जाएगा, ओ से दो माइनस कर दो तो एम आ जाएगा। यहाँ माइनस टू किया, फिर यू टी ई आर, यू में दो ऐड कर दें डब्ल्यू, आर में दो ऐड कर दें टी, टी में दो ऐड कर दें तो यू वी आ जाएगा, ई में दो ऐड कर दें तो एफ जी टी जी। सो बस एन के एम ए टी जी वी डब्ल्यू, यहाँ प्लस टू हो रहा है, डन। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो टाइमिंग्स एक बार फिर से क्लासेस की देख लो, फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में, 9 PM से 10 PM ये डेली होती है, और प्लस क्लास की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है। डू नॉट फॉरगेट इस प्रोफाइल को फॉलो करना, इस कोड को याद रखना टू गेट द डिस्काउंट ऑन ऑल एन अकेडमी सब्सक्रिप्शंस। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सारे के सारे सेशंस के साथ हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।